हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पिक क्यू ऐप कैसे चलाए। तो गाइस, ये बहुत ही फेमस ऐप है, आपने इसकी यूट्यूब पर भी ऐड देखी होगी। और ये बहुत ही एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है और इसकी 10 मिलियन डाउनलोडिंग हो चुकी है, यानी कि 10 मिलियन 10 करोड़ आदमी ने इसे डाउनलोड कर लिया है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। मैं आज आपको उसके सारे के सारे ऑप्शन यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो गाइस, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गुवाए। तो गाइस, अगर आप इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐड आएगा, तो यहाँ से आपको ऐड को डिलीट कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको एक प्लस का निशान मिल जाएगा, तो सिंपली आपको प्लस के निशान पर जाना है। जैसे आप प्लस के निशान पर जाएंगे तो यहाँ से आपको कटआउट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कटआउट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर दीजिए इसमें। तो गाइस, मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ से मैं देख लेता हूँ कोई भी एक अच्छा सा फ़ोटो। तो गाइस, ये फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। तो जैसे मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा लोडिंग चलेगा। और यहाँ से आपको यहाँ से इस तरीके से कर देना है, जहाँ से भी आपको खाली दिखता है यहाँ से। और इसका साइज थोड़ा बढ़ा लीजिए यहाँ से, और इस तरीके से आपका ये फ़ोटो बन जाएगा बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद सिंपली आपका इस यहाँ से आपको राइट कर देना। जैसे आप राइट कर देते हैं इसको, उसके बाद आपका फ़ोटो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से आपको फ़ोटो को अपने फ़ोटो को एक साइड में धर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोटो पर। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, वन क्लिक में मेरा बैकग्राउंड बदल गया है। उसके बाद यहाँ से आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि मंदिर और त्यौहार। यहाँ से मंदिर और त्यौहार के भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो मैंने भोलेनाथ का बैकग्राउंड लगा दिया। उसके बाद न्यू पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको एक टेक बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करके लगा सकते हो अपने फ़ोटो पर। यहाँ से आपको मूवी इफेक्ट भी मिल जाएंगे, अगर आप कोई भी मूवी में से इफेक्ट लगाना चाहते हो, यानी कि कोई भी हीरो लगाना चाहते हो, तो यहाँ से हीरो भी आप लगा सकते हो अपने बैकग्राउंड के पीछे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो गाइस, मैंने लगा दिया अपने पीछे बैकग्राउंड में हीरो। तो इसी प्रकार से आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद गाइस, अगर आप अपने फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट करने के लिए आपको एक से एक फ़िल्टर मिल जाएगा, अलग अलग प्रकार के आपको फ़िल्टर मिल जाएंगे यहाँ से। यहाँ से आप कोई भी एक अच्छा सा कोई भी एक फ़िल्टर लगा सकते हो अपने फ़ोटो में। उसके बाद ब्रश नेट को बढ़ा सकते हो, और यहाँ से इम्पोर्टेंट पर एक ऑप्शन मिल जाता है गाइस, यहाँ से इम्पोर्टेंट का। तो यहाँ से आप कोई भी एक बंदा सेलेक्ट करके अपने फ़ोटो पर लगा सकते हैं सिंपली। तो मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ गाइस। उसके बाद यहाँ से राइट कर देता हूँ, और यहाँ से एक ये बंदा आ गया है। यहाँ से इस तरीके से आप इसे भी लगा सकते हो अपने फ़ोटो पर। उसके बाद यहाँ से आप अपने फ़ोटो पर टैक्स्ट लिख सकते हो, या अपने नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ से अपना नाम भी लिख सकते हो गाइस। मैं अपना नाम लिख के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको कलर भी चेंज करना हो, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके अपना चेंज कर सकते हो गाइस। तो मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये की कर लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ से स्टिकर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका अगर आप कोई भी स्टिकर लगाना चाहते हो अपने फ़ोटो पर तो यहाँ से स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो गाइस, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ चश्मा लगा कर। तो यहाँ से देख सकते हो आप, मैं ऑटोमेटिकली चश्मा लग जाएगा मेरे फ़ोटो पर। तो इसी प्रकार से गाइस, आप चश्मा भी लगा सकते हो, कोई भी नीरे सारे आपको चश्मे मिल जाएंगे यहाँ से। तो कोई भी चश्मा आप लगा सकते हो अपने फ़ोटो पर। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए मेरी वीडियो कितनी अच्छी है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो यहाँ से आपको एक से एक स्टिकर मिल जाते हैं, जैसे कि फन काला हुआ,
और यहाँ से नेचुरल और यहाँ से वर्ल्ड का, यहाँ से आपको एक से एक स्टिकर मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस फोटो को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप अपने फ़ोटो को सेव कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो गाइस मेरा फोटो सेव हो चुका है मेरी गैलरी में। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो नेक्स्ट दिन। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।